अरे कोई गलती नहीं थी ना, रिग्रेट नहीं। कोई कसूर नहीं रे, बच्चे ने डांट भी तो चिल्ला दो क्या तो भैया मम्मी ने लगा कलश आज तो रचना सबको तैयार कर रही थी, रचना को तैयार कर रही मामी जी। गीत आप भी रेडी हो रहे हो? देखिए हम तो गए तैयार और आपको मिलवाते हैं सबसे खूबसूरत शख्स हमारी फैमिली का, जिसका नाम है गीत दीदी, जो सबसे खूबसूरत है ना। गीत दीदी आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं बताओ। अभी दोनों बच्चे सो रहे हैं, अब उनको तैयार करना सबसे बड़ा टास्क है। रचना रेडी हो गई, डीजे माला होगी, फेरे होंगे और फेरों में बहुत सारी मस्ती होगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा, 12 बजे से शुरू हो जाएगा बच्चों का बर्थडे। वेरी एक्साइटेड फॉर दिस दोस्तों। अंडर कॉन्फिडेंस है ना, फैशन सेंस के लिए अंदर कॉन्फिडेंस की बात होती है ना। जब आप कॉन्फिडेंस होते हैं ना तो आप कुछ भी पहनो आप अच्छे लगते हैं। आप अभी भी अच्छे लग रहे हैं मगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, बात ये है ना। और मोटापा पतला ठीक है, इट्स लाइफ के फेज होते हैं, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, आगे होगा, अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, इन्जॉय करो। बॉडी है सभी की, किसी कोई हाइट छोटी होती, लंबी होती, काला होता, गोरा होता है ना। भगवान ने शरीर चलता फिरता दिया, वो सबसे बड़ी बात है। भगवान ना जाने किसी को कैसे कैसे शरीर देता, जो बेचारे इंडिपेंडेंट हो जाते दूसरों के। मैं ऐसा सोचता हूँ अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई प्रवचन दे रहा हूँ। और हमारी जो मीत दीदी है थोड़े से गुस्से में, क्योंकि नींद में उठाया मैंने, जैसा आपने देखा होगा सो रही थी तो उसको उठा के हमने ये वाली फ्रॉक पहनाई है। दीदी गुस्से में, जब इयररिंग बड़ी होती है तो गला खास, सिर्फ एक चेन पहन सकते, ये नहीं जमता है। पहन के दिखाऊं? ये नहीं जम रहा है ना, ये शायद ऐसे ही रखते हैं। अगर ऐसे रख लो तो ये है ताजराजी, मगर देखिए मैं आपको एक बार ऐसे में दिखा देता हूँ। तो दोस्तों कैसी लग रही है देवी जी, कमेंट करिएगा। रचना को बहुत कॉन्फिडेंस नहीं फील हो रहा है, उसको लग रहा है कि वो अच्छी नहीं लग रही, मगर आप भी बताएं, मैं तो कह ही रहा हूँ अच्छी लग रही है। तो दोस्तों नीचे आ चुके हैं, नीचे देखिए बनात आने वाली है, तो हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे। पीछे रिसेप्शन स्टार्ट हो गया है, मेरा सब खाना खा रहे हैं, अभी हम तो वेट कर रहे हैं। और पीछे स्टेज लगा हुआ है जहाँ पे दूल्हा दुल्हन बैठेंगे। ये है हमारी दीदी की छोटी लड़की रचना। दीदी से सब मिल चुके भैया, सब बहुत प्रभावित हैं। हेलो, आप पहचान गए? तो भैया मम्मी ने रखा कलश आज तो, मम्मी अच्छी लग रही है। दोस्तों अभी हम आए हैं, कुछ गीत को खिला रहे हैं, क्योंकि उससे भी घूम रही थी और बारात वगैरह हम कैप्चर नहीं कर पाए, क्योंकि ये डिसएडवांटेज होता है व्हेन यू हैव अ ट्विंस। ट्विंस है, आपके बच्चे हैं, आप ही को रखना है, कैसे भी आप तैयार हो, कोई भी आओ, तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं आ पाए हम टाइम पे आ गए थे, पर हमको पता ही नहीं था बारात लगी है, किसी का कॉल नहीं आया, तो हम जो भी है बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम थी, बच्चे बहुत चिड़चिड़ करते हैं, तो ये है डिसएडवांटेज। आप कहीं शादी पार्टी में भी जाते हो तो यू नीड सम बड़ी सपोर्ट, आपको सपोर्ट की जरूरत होती है। नहीं है तो आप अगर कुछ एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हो कि ऐसा कर पाओगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अभी हम फिर से इंजॉय करने का सोच रहे हैं खाना खा के।
बार बार क्या करें, परेशानी आती है, करेंगे पालेंगे अपने बच्चे। ना 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 ना, दोनों को भूख लग रही है कि नहीं लग रही पता नहीं, हम रबड़ी खा रहे हैं अभी तो ये लोग। तो ऐसे खिला रहे हैं हम, जिसको भी ट्विंस हो 1000 बार सोच ले, सपोर्ट ना हो तो ना करें। सही बात है। फैमिली में दोनों हो, ला रहे पापा ला रहे, जाओ ले आओ ना, खिला रहे खिलाते हैं। अंकल से कहना अंकल और दे दो, मैं ही लेके गया था ना बस। अच्छा दो में फिर दोबारा ले लो। तो दोस्तों स्ट्रेस बूस्टर तो भाई हमारा मीठा ही होता है, हम रबड़ी तो खाएंगे अब चाहे जो हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। मैं यहीं खड़ी हूँ भाई, ओ मैं 5 से खा चुका हूँ, मैं पहली बार खा रही हूँ। ये तो मुझे ही देख रहे हैं क्या? नहीं ना, ये अपने वाले ही लोग हैं। रचना पूछ रही है सब मुझे ही देख रहा है क्या, खाना खाते मेरे अपने वाले। ये है सत्यम द ग्रेट, ये है शैली, अभी तक ये खाना खाती थी, अभी हो सकता है आपका दिमाग खाए, खून भी है तो भी रेडी। ये ट्विंस है, ट्विंस है। और ये आपकी साली बहुत तेज है, ये दूर के है ना, ये इंदौर के है ना, काम थोड़े यार। एक आइसक्रीम खिला दो बेचारी को, ये इंदौर के बेटा बहू है इसलिए। देखा दौड़ दौड़ के सबको आइसक्रीम खिलाई थी, वीडियो बन रहा है, दौड़ दौड़ के मुंह से निकली धोखेबाज। अभी मैंने मुझे किसके लिए, मेरी बहन के लिए। अब मैंने इंदौर में है ना इसलिए काम कहाँ थे अपन, मीत तो है ना ये दोनों। दोस्तों मजा तो बहुत आ रहा है, वैसे बच्चों के साथ प्रॉब्लम भी बहुत सारी है, मजा भी उतना ही आ रहा है। इसके बाद खाना नहीं खा पाए सुबह 12:30 बज रहे हैं। मम्मी तुमने खा लिया? मौसी आइसक्रीम में पार्टी दे रही है, यहीं से खाओ जितना खाना है। मगर मीत अभी रीत सो रही है। हैप्पी बर्थडे गीत, हैप्पी बर्थडे पापा मीत। ये दो ही चुन खाओ अभी, यहाँ पे शुरू हो गया और क्या। 12 बज गए। हैप्पी बर्थडे बच्ची, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे की। ये शायद तुम एकदम आ रहे जेन सी मारे थे तुम लोग। मत रो रचना, कुर्सी की बात है यार, 1 साल हो गया। कैसी बात है, लगता है यार रोज की, क्यों करे मेरे बच्चों की, मेरे बच्चों, मेरे राजा, मेरे बच्चों। गर्मी लग रही, खोलू ड्रेस खोलू मेरी बेटी की, लव यू मेरे बच्चों। मत रो रचना, अरे ठीक है ना, बच्चे हैं, 1 साल हो गया, 1 साल और निकल जाएगा, बस 1 साल की बात है। अरे मेरे बच्चे हैं, पी रहे कैसे देख रहे आप, रो रही तो गीत का ही बर्थडे है, अभी तो आ रही है ना, बिल्कुल बर्थडे तो बना ले आपका। अरे कोई गलती नहीं ना, रिग्रेट कोई कसूर नहीं रे, बच्चे हैं तो डांट भी तो चिल्ला दो, क्या कसूर। यार मत रो रही, बारह बजते मैं इसलिए ऊपर आ गई, मेरे को नहीं नीचे रहने की हिम्मत हो रही थी। मेरे बच्चे क्यों बोलना पड़ता रोज यार, अरे नहीं यार कोई गलती नहीं, थोड़ा बहुत लगता है कभी कभी, माँ की ठीक है ना।
मत रो रचना, मत रो, बच्चे देखना तेरे को यार, मत रो। अरे हो जाएंगे रचना यार, बच्चे खुशी का दिन, एक साल होगा, सोच कितने छोटे छोटे आए थे, 1600 ग्राम 1800 ग्राम के बच्चे आए थे, कैसे तूने पाल के करेंगे ना, जब शुरुआत हुई है यार ये, तो तुम तो तू बच्चों को पाल रही है, अभी जो नरिशमेंट है ना वो काम तो कर रही ना यार, इसको देखो समझाओ यार, यही करती मैं कुछ नहीं कर पा रही रचना, जो आप कर रहे हो वो मैं थोड़ी कर सकता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ अभी नहीं कर सकता। देख कैसे देख रही, तू रो रही था, अब पापा रो रहे, मम्मी मम्मा रो रहे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, इतनी गीत, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर, क्या ले गया उन्होंने।